बहराइच और सीतापुर दोनों ही जगहों पर भेड़ियों के गैंग की दहशत है। बात बहराइच की करें तो यहां पर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। बहराइच में भेड़ियों को अब तक जो पकड़ा गया है, इन भेड़ियों ने 9 लोगों की जान अब तक ली है। 4 भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है, बाकी की तलाश की जा रही है। भेड़ियों का गैंग नए इलाके में दस्तक दे चुका है। बहराइच जिले के मेहसी इलाके के साथ साथ अब केसरगंज इलाके में भी भेड़िए नजर आए हैं। यहां एक साथ 2 भेड़िए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की टीम लगी हुई है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। सीतापुर में भी भेड़िए का आतंक अब बढ़ गया है। सीतापुर में भेड़िए ने एक बुजुर्ग की जान ले ली है। वन विभाग की टीम भेड़ियों को पकड़ने में जुटी हुई है। जी, हमला तो हुआ है। हमारे यहाँ एक माता जी हैं, उनके ऊपर हुआ था, पर पंजे पुंजे नहीं लगे, पर रात में जग गए सारे लोग। तो हाँ, पंजा लगा यहाँ पे। किस तरह की दहशत है, किस तरह का डर देखने को मिल? बहुत भयानक सर। जैसे 2 बच्चे यहाँ मेरे गांव के ही थोड़ा गांव से बाहर बनाए रखे हैं घर, उनके वहाँ 2 बच्चे को हमला किया और मेरे गांव में ही और बाकी जो आस पास गाँव हैं उसमें भी खा लिया। उन लोगों को देख के हम लोगों को बहुत ज्यादा डर महसूस हो रहा है सर। असम, क्या आप लोग करते हैं, किस तरह से कि भेड़िया ना टटिया खटिया जो ये बताते हैं सर, जिसके यहाँ दरवाजा नहीं, वही अपना सब टटरा पटरा बना के रखे हैं, वही बचाव करते हैं, लगाते हैं लोग। तो आदमखोर भेड़िए की तलाश में वन विभाग की टीम इस समय जुटी हुई है। वन संरक्षण मनोज सोनकर ने बताया है कि भेड़िए की सूचना पर कई टीमें तुरंत पहुंच रही है। भेड़िए की लोकेशन के लिए रात में भी ड्रोन लगाए जा रहे हैं। बीते 24 घंटे से भेड़ियों की कोई लोकेशन अभी तक ट्रेस नहीं हुई है। देखिए, हमने जो है कल एक भेड़िए को रेस्क्यू किया था। अभी जो हमारे थर्मल ड्रोन कैमरा में आए हुए 2 जो भेड़िए हैं उनको लोकेट करने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए लगातार हमारी फूड पेट्रोलिंग टीम कर रही है। थर्मल ड्रोन कैमरा से भी हम लोग लोकेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही लोकेट हो जाएगा हम लोग उसको रेस्क्यू करने का कार्यक्रम करेंगे। सर, जगह जगह से शिकायत आ रही है, उसको मीट आउट करने के लिए क्या प्लान बनाया गया? जहाँ से भी सूचना मिल रही है हमको, हमारी टीम जो है वो तुरंत मौके पहुँच रही है और थर्मल ड्रोन कैमरा से और पगमार्क बेसिस पे उसको ट्रैक कर रही है कि कहाँ वो है, और जैसे ही लोकेट हो जाता है तो हमारा रेस्क्यू टीम पहुंच के उसको रेस्क्यू कर लेगा। तो उधर बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को लेकर कल किस तरह से ऑपरेशन चला है, भेड़ियों की कोई लोकेशन मिली है या नहीं, क्या DFO आकाशदीप वधावन ने इसको लेकर कहा है, आइए सुनते हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश में लगातार वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड करने वाले DFO आकाशदीप वाधवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, आज पूरा दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, क्या कोई पॉजिटिव लीड मिली? जी, अभी तक तो हमें इस पे कोई भी जानवर अभी कहीं पर भी नहीं दिखा है और हम लगातार 12 घंटे से ऊपर हो गए जिसको लगातार ट्रेस करते हुए, लेकिन अभी तक हमें कोई भी इसमें जानवर दिखा नहीं है। और ना सिर्फ हम ड्रोन कैमरा से देख रहे हैं बल्कि हम पगमार्क से भी चेक कर रहे हैं और उसमें हमने इस पर ही थोड़ा स्टाफ बढ़ा के इंक्रीज टीम्स के साथ उसको पगमार्क्स को भी चेक किया गया है, लेकिन उस पर भी कोई पगमार्क्स इस किस्म के दिखे नहीं है। सर, लोकल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या उम्मीद करेंगे? देखिए, ग्रामवासियों को हम वापस इसी माध्यम आपके प्रेस के माध्यम से मैं यही अनुरोध करूंगा कि यदि आपको कोई भी इस टाइप का दिखता है, कोई भी जानवर या कोई भी, सबसे पहले तो आप अपना ख्याल रखें, घर के अंदर सोएं, दरवाजे बंद रख के सोएं, अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को विशेष रूप से रात को अकेले में जाने दें। इसके अलावा हम यही बोलेंगे कि आप थोड़ा सा सजग रहें, यदि कोई भी आपको पगमार्क्स दिखते हैं, जानवर कहीं दिखता है, तो अपने निकटतम जो पुलिस है 100 नंबर पे उनको कॉल कीजिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स लगी उनको फ़ोन कीजिए, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम्स लगी उनको फ़ोन कीजिए और जैसे भी आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी हम उसके ऊपर तत्काल वहाँ पर पहुँच के उसको चेक भी करेंगे। बहराइच में भेड़ियों का अलग अलग तरीकों से पकड़ने की जो कोशिश की जा रही है उसमें ये जानिए कि भेड़ियों को पकड़ने के इस ऑपरेशन में वन विभाग की टीम पटाखे भी छोड़ रही है। इन्हें पकड़ने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। 4 भेड़िए अब तक पकड़े जा चुके हैं, लेकिन कई और भेड़िए हैं
जो इस समय बहराइच से आगे बढ़ते हुए सीतापुर जा चुके हैं। इन दोनों ही जिलों में भेड़ियों का आतंक बना हुआ है। अब बचे हुए भेड़ियों को दर दबोचने के लिए, पकड़ने के लिए डीएफओ टीम किस तरह से अलग अलग तरीके अपना रही है। पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं ताकि ये भेड़िए चल पकड़े जा सके। अच्छा, ये कितने दिन से पटाखे दागा जाते हैं? पटाखे दागा जाते कि गांव न घुसने पाए, पटाखे की आवाज दूर तक जाती है, फेंक दिया जाता है तो गांव घुस नहीं पाते। ये कौन सा गांव? ये बग्गर है। तो कब तक पटाखे आप लोग दागते रहते हैं? हम लोग पूरी रात चलते हैं, पूरी रात पटाखे दागते हैं। तो जैसे जहां सूचना मिलती है कि इधर कुछ हल्ला हो रहा है तो उधर कैसे पटाखे दागते हैं या कैसे, क्या कोई निश्चित पॉइंट होता है आप लोग का? नहीं, हम लोग जाते हैं जो अगर पता चलता है कि इधर है तो, जैसे गन्ना वन्ना में गया तो हम लोग गए तो पटाखा फेंका गया, दगा वो भाग गया। बिल्कुल साहब, ऐसा चारों तरफ गांव के घेरे से गोला दागी थे और बच्चन का एक को बाहर अंदर सब लेटाई थे, बाहर लेटे नहीं पाओ थे और 24 घंटा है ड्यूटी करी थे, रात भर में 200 चक्कर राउंड मारे थे। जो बाहर पहुँचता है उनका खचिया डंडा पटक पटक के सबका अंदर करा दीजिएगा। क्या बताते हैं लोगों को आप? कहते अपने घर की सुरक्षा करो, हम लोग चलते हैं, आप लोग जागे रहो, लड़का बच्चा बाहर निकले नहीं पाओ, टट्टी मैदान जाए तो लाठी डंडा लेके निकलो और टार्च लेकर हाथ में निकलो और तुरंत हमको सूचना दियो। तो जहां एक तरफ लोग भेड़िए के आतंक से दहशत में हैं, तो वहीं बिजनौर में हाथियों के झुंड ने खेत में लगी हुई फसल को बर्बाद कर रखा है। दरअसल हरवेली इलाके के जंगल में इन दिनों हाथियों ने आतंक मचा रखा है। ये देख सकते हैं आप हाथियों के आतंक की तस्वीरें। हाथियों ने खेत में घुसकर गन्ने की फसल को बर्बाद कर दिया है जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। और ये बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ और खबरों में। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की, जिसका आज पांचवा दिन है। देखिए आखिरी दिन है आज, परीक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 3 बजे से 5 बजे तक की है। इन दोनों ही पालियों में एग्जाम होने हैं, 2 पालियों में सिपाही भर्ती परीक्षा होनी है। यूपी पुलिस में सिपाहियों के 60,244 पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है। सख्ती के चलते 4 दिनों की ये परीक्षा, जिसमें 30% कैंडिडेट्स परीक्षा छोड़ चुके हैं। अब आज देखना ये होगा कि आज आखिरी दिन की जो ये परीक्षा होनी है इसमें कितने युवा आते हैं और कितने युवा परीक्षा छोड़ते हैं। और आइए बात करते हैं कांग्रेस की सेलेक्टिव सियासत की, क्योंकि जब अयोध्या में गैंगरेप का आरोपी सपा का मोहित खान था, उस केस में कांग्रेस पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं गई थी। लेकिन जब बात उसी अयोध्या में किसी और गैंगरेप की होती है तो जाति की राजनीति ढूंढना कांग्रेस शुरू कर देती है। कांग्रेस का 21 सदस्यीय डेलीगेशन पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने पहुंच गया। अब रायबरेली से अयोध्या तक कांग्रेस के इसी सेलेक्टिव सियासत की बात हो रही है, चर्चा हो रही है, जिस पर बीजेपी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जिस अयोध्या में सपा नेता मोहित खान पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप लगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई। उसी अयोध्या में दो अलग अलग दुष्कर्म की घटना एक बार फिर नए विवाद को जन्म दे चुकी है। विवाद इसलिए क्योंकि कांग्रेस की सेलेक्टिव सियासत देश के सामने आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी अपराधों के मामले में पिक एंड चूज की नीति अपनाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी को जहां लाभ दिखाई पड़ता है ऐसे मामलों में राजनीतिक रोटियां सेकने चली जाती है। क्योंकि जब बात सियासी सहयोग पर आई तो समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस डीएनए टेस्ट की मांग पर अड़ गई। मोहित खान के नाम बदनाम करने की बातें होने लगी, लेकिन कांग्रेस को उस पीड़ित परिवार की याद नहीं आई जब मोहित खान ने मासूम के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया था। अब जब मामला जाति धर्म पर है तो वोट बैंक की चाह में कांग्रेस अयोध्या की राह पर है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और कहीं कोई किसी का पुरसा हाल नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, जिसके जैसे मर्जी आ रहा है,
जब हम चाहते हैं तो बड़े न्यायप्रिय हो जाते हैं, जब हम चाहते हैं तो बड़े अन्यायप्रिय हो जाते हैं। आपको देख लेंगे तो न्याय का दूसरी परिभाषा हो जाएगी, इनको देख लेंगे तो न्याय की दूसरी परिभाषा हो गई होगी। तो इस तरह से हम लोग एक अजीबो गरीब परिस्थितियों में जीने को मजबूर हैं, और बहुत जल्दी ये भी कुशासन समाप्त हो जाएगा और 2027 में आपको इनसे भी निजात मिल जाएगी। कांग्रेस की सेलेक्टिव सियासत तब भी सामने आई जब राहुल गांधी अर्जुन पासी के लिए सीएम योगी तक को चिट्ठी लिख दिए, और कांग्रेस की सेलेक्टिव सियासत एक बार फिर होने लगी जब बात मोईद से अलग किसी और की है। कांग्रेस पार्टी अपराधों के मामले में पिक एंड चूज की नीति अपनाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी को जहां लाभ दिखाई पड़ता है ऐसे मामलों में राजनीतिक रोटियां सेकने चली जाती है, लेकिन जब अयोध्या में समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष मोईद खान एक नाबालिग पिछड़े वर्ग समाज की बच्ची के साथ गैंगरेप करता है तो कांग्रेस पार्टी आंखें मूंद लेती है। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जहां लगता है कि यहां राजनीतिक लाभ हो सकता है वहां जाकर के वो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और इसीलिए डेलीगेशन लेकर के जा रहे हैं। यानी सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राहुल गांधी सहूलियत के हिसाब से पीड़ित परिवार से मिलते हैं? क्या कांग्रेस के डेलीगेशन को उस परिवार का दर्द नजर नहीं आया जिस केस में सपा नेता मोईद खान मुख्य आरोपी है? आखिर कांग्रेस की राजनीति का पैमाना क्या है? जहां वोट की चाह, कांग्रेस के लिए वही सही रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।